आप लोग आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर डायल पे जो टोन रहती है आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, कोई भी ना भूलें। सिंपल सिंपल से स्टेप्स जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस आपको अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से डायल पे टोन को इनेबल या डिसेबल करने के लिए गाइस आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको साउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको साउंड पे क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डायल पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, डायल पे टोन्स। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे और आप कोई भी नंबर डायल करते हैं तो गाइस आपको जो टोन सुनाई देती है वो टोन सुनाई नहीं देगी। तो अपने हिसाब से आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आई होप कि गाइस आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस मेरे केस में मैं इसको डिसेबल रखना पसंद करता हूँ तो मैंने डिसेबल है, आप इसको इनेबल भी रख सकते हैं। तो गाइस आई होप सो कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।